हेलो फ्रेंड्स, शादीशुदा औरत को अपनी जानिब मतवज्जो कैसे किया जाए, आज की वीडियो में मैं आपको तीन अहम ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शादीशुदा औरत से या लड़की से मुलाकात करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आप पहली नजर में इसको पटा लो, तो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आना होगा ताकि वो पहली नजर में ही आपकी दीवानी हो जाए और आपसे पट जाए और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। वीडियो के आगाज से पहले मैं बता दूं कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर वन, अगर आप चाहती हो कि आप उसे अट्रैक्टिव नजर आओ, तो अपनी नजरें जमीन पर गाड़ने के बजाय जिस कदर मुमकिन हो शादीशुदा औरत की आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि खुद एतमादी का बेहतरीन तरीका आंखों में आंखें डालकर बात करना है। इसके साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और हर वक्त खुश रहना, मस्बत सोच रखना। शादीशुदा खवातीन ज्यादातर मस्बत सोच रखने वाले मर्दों को ही पसंद करती हैं और ऐसे मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं और जल्दी पड़ जाती हैं और करीब आने में भी देर नहीं लगाती। नंबर टू, इसके साथ साथ अगर शादीशुदा औरत की तारीफ करके या उसके बारे में अच्छे अल्फाज अदा करके या उसे किसी ऐसे नाम से पुकारा जाए जिससे वो बहुत जल्दी मुतासिर हो जाए, तो वो आपकी जानिब जल्दी रागिब होगी। इसके अलावा उसके हुस्न की तारीफ करें और उसे ये एहसास दिलाए कि उसे पाकर आप बहुत खुश हैं। इस किस्म की तारीफ करने से उसकी हौसला अफजाई होगी और वो खुलकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगेगी। नंबर थ्री, अगर आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो और वो भी आपकी तरफ मतवज्जो हो रही है, तो वो आपको मिलना शुरू कर देगी और आपके साथ हंसी मजाक करेगी, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में जम करना चाहती है ताकि वो आपके बारे में और आप उसके बारे में जाने। और ये सब वो आपके करीब आने के लिए कर रही है, क्योंकि वो अब आपकी मोहब्बत में पूरी तरह से बेकरार हो चुकी है और ज़हनी तस्कीन के साथ साथ जिस्मानी तस्कीन भी चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।